क्या आप पढ़ाई करते हैं या आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, तो आपके लिए है ईट इंग्लिश का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में आपको जो भी याद करना होता है वह आपको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बोल बोल के याद करवाएगा। ठीक है, तो हम चालू करते हैं। जैसे कि हमारे पास, मैंने ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने एप्लीकेशन खोला, मैंने रजिस्टर किया, लॉगिन किया, उसके बाद में मुझे दिखेगा, मुझे ये दिख रहा है। तो हमें अगर कोई भी याद करना है तो याद करने के लिए हम किस पे जाते हैं, मेमोरी रब। ठीक है, अगर मुझे कोई वर्ड्स याद करने हैं तो मैंने क्या किया, मेमोरी रब पे क्लिक किया। ठीक है, अब अभी इस एप्लीकेशन में पहले से ही बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो पहले से एप्लीकेशन में दिए हुए हैं। वो एप्लीकेशन में जो वर्ड्स दिए हुए हैं, अगर आपको वो याद करने हैं तो आप किस पे क्लिक करोगे, यूनिवर्सल मेमोरीज़ पे। ठीक है, आपने यूनिवर्सल मेमोरीज़ पे क्लिक किया। अब आपको इधर बहुत सारी कैटेगरीज दिख रही होगी, जैसे वर्ड मीनिंग, ऑपोजिट वर्ड्स, एनिमल्स, नंबर नेम्स। ठीक है, तो मानो कि जैसे हमें अभी ऑपोजिट वर्ड सीखना है, ऑपोजिट वर्ड सीखने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ऑपोजिट वर्ड्स दिख रहे हैं, लाफ, क्राई, इवन, ऑड, हॉट, कोल्ड। ठीक है, हमें तीन ऑपोजिट वर्ड्स दिख रहे हैं, उसके नीचे और भी वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, हमको क्या है, धीरे धीरे करना है, तो हम तीन वर्ड्स करेंगे एक साथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मेमोराइज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्राई, इवन, ऑड, हॉट, cold, laugh, cry। जैसा कि आपको दिखा, हमने जब मेमोराइज पे क्लिक किया तो क्या हुआ, आपको सॉफ्टवेयर आप बोलेगा, तो आपको बोलेगा, तो जैसे जैसे बोलता रहेगा आपको क्या हो जाएंगे, इजीली याद हो जाएंगे वो, तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि आप खुद से पढ़ो, आपको बोलेंगे तो आपको अच्छे से सुनाई देगा। ठीक है, हम नीचे जाते हैं, नीचे हम फिर से क्या करेंगे, इन तीनों को मेमोराइज करते हैं। आगे के तीनों, लाइट, डार्क, opposite, same, far, near। ठीक है, हमने क्या किया, हमने छः वर्ड्स सब मानते हैं कि हमने छः वर्ड्स मेमोराइज कर लिए। अब हम क्या करेंगे, हमको रिवाइज़ करना है। तो रिवाइज़ करते हैं तो क्या होता है, जैसे मेमोराइज़ में ये क्या है, लाइन से आते हैं। ठीक है, रिवाइज़ में क्या होता है, ऊपर नीचे आ जाते हैं, तो ऊपर नीचे आते तो क्या होता है, इससे आपको याद रहता है कि क्या मुझे याद हुआ सही में या फिर नहीं हुआ। तो चलो हम रिवाइज़ पे जाते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा सॉफ्टवेयर मैनिपुलेट कर रहा है डेटा को, सो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। फार, नियर, ऑपोजिट, सेम, ऑपोजिट, सेम, फार, नियर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है, रैंडमली आपको वर्ड्स मिल रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपको आसानी होगी। ठीक है, हमने क्या किया, अब तीन रिवाइज़ कर लिए एक साथ, तो अब हम क्या करेंगे, छः के छः रिवाइज़ करते हैं। चलो ठीक है, चालू करते हैं, छः के छः हमको रिवाइज़ करने हैं, तो हम क्या करेंगे, रिवाइज़ 1 to 6। लाफ, क्राई, laugh, cry, even, odd, even, odd, far, near, laugh। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें क्या, रैंडमली छहों में से कोई भी आ जाते हैं, तो जिससे क्या होगा, आपको आसानी होगी, आपको पता चलेगा कि आपको अच्छे से याद हुए या नहीं। तो जैसे हम देख सकते हैं नीचे जाएंगे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे वर्ड्स बढ़ते जाएंगे हमको क्या होगा, हम मेमोराइज़ करते जाएंगे, और उसके बाद में अगर हमने सारे के सारे वर्ड्स कर लिए, मानो हम नीचे तक पहुँच गए, हमने पूरे 33 वर्ड्स कर लिए, हम किस पे क्लिक कर देंगे, रिवाइज 1 to 33। ठीक है, हमने इस पे क्लिक किया तो हमें क्या लगेंगे, 33 में से सात कोई भी वर्ड्स आते रहेंगे, तो इससे क्या होगा, हम रिवाइज कर पाएंगे फिर से 33 के 33 वर्ड्स को। लाइट, डार्क, यूजफुल, यूजलेस, स्वीट, साउर, डिफिकल्ट, इजी, पीस। तो देखा, हमने हमारे पास 33 यानी कि 33 वर्ड्स थे, और उसमें से कोई भी आ रहा है, तो इससे क्या होगा, हमको पता चल जाएगा हमें कितना याद है, हमें कितना याद नहीं है। और आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, सुनना है, और जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ज़्यादा आपको क्या होगा, याद रहेगा। तो ये हमने की ऑपोजिट वर्ड्स। चलो एक और चीज़ देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं
वन वर्ड सेंटेंसेस, ठीक है। तो हमको अगर ये सीखना है तो हम इसमें भी क्या करेंगे, मेमोराइज। One who is not sure about God's existence. A person who deliberately sets fire to a building. Arsonist. One who does a thing for pleasure and not as a profession. ठीक है, तो हमने क्या किया, मेमोराइज कर लिया। ऐसे आपको, आप देख रहे हैं कि आप अब कितना कुछ सीख सकते हैं इधर से, आपके पास कितना सारा चीज़ें हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये सब, ऐसे सब वर्ड्स आपको सीखने पड़ते हैं। तो आपको खुद याद करने बैठो आप एक एक वर्ड को, इससे बेटर आप सुनो और आप उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कितने सारे वर्ड्स हैं, आपको कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सुनना है और आपको उससे याद करना है, और आपके पास आपको याद करने के बाद में आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप रिवाइज़ कर लो, तो आपको, आपके पास, आपको कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है खुद से। ऐसा नहीं है कि आप खुद बैठ के लिखो कुछ या कुछ करो, ना, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप सिर्फ सुन रहे हैं और आप सुनने के बाद में आप उनको रिवाइज़ कर रहे हैं, जैसा हम करते हैं वैसा का वैसा ही है। बस आप इसमें क्या है, आपको अपनी खुद की मेहनत कम लगेगी और आप क्या करेंगे, ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम लोग जब सुनते हैं तो हमें ज़्यादा याद रहता है। तो आपको सिर्फ ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। ध्यान से, आप जितना ध्यान से सुनेंगे आपको क्या होगा, उतनी आसानी से आप कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने देखो अब हम आगे जाएंगे, हमारे पास कितने सारे हैं, हम कितना सब सीख सकते हैं इसमें, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका इंग्लिश का, आपको, आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स सीख पाएंगे इंग्लिश के, आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को मेमोराइज़ कर पाएंगे, और आपके लिए क्या होगा, ये सब करना बहुत ही आसान होगा, ठीक है।